स्वागत है आज 1 सितंबर 2024 लास्ट वीक दैट मींस 26 अगस्त से 20 अगस्त तक करेंसी के सभी। यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला मेजर जो डेटा पॉइंट है वो था आपका यूएस जीडीपी, जो काफी बेटर नंबर्स आया हुआ है, जिसके कारण हम देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स पे एक बाउंस बैक फ्रॉम द रिसेंट लो हुआ है। फ्रॉम एन इंट्रा वीक लो ऑफ 100.51 इट मूव्ड हायर टुवर्ड्स 101.78 एंड क्लोज्ड ऑलमोस्ट देयर एट 101.73। ये जो एक सपोर्ट जोन है दिस बिकम्स वेरी क्रूशियल। क्यों क्रूशियल है, हम अगर देखेंगे कि नवंबर 2022 से अभी तक ये डॉलर इंडेक्स एक रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं, ऊपर की तरफ 107.50 एंड नीचे की तरफ आपका 100.00। इस रेंज को जब तक आइदर साइड ब्रेक आउट नहीं करते, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, तब तक इसी रेंज के अंदर में मूव करेगा। एक बार ब्रेकआउट होते तो हमें एक मजेदार एक रेंज ब्रेकआउट मिलेगा विद ए पर्टिकुलर ट्रेंडेड मूव, पॉसिबली ऑन द डाउनवर्ड साइड एट द मोमेंट। तो हमारा नेक्स्ट जो एफओएमसी रेट डिसीजंस है, इट्स वेरी क्रूशियल। रेट डिसीजंस में कुछ पर्सपेक्टिव हमें देखना है। पहला बात है कि ये क्वार्टर बेसिस पॉइंट्स करेगा या 50 बेसिस पॉइंट्स करेगा। क्वार्टर बेसिस पॉइंट इज ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज डिस्काउंटिंग दैट वन। उसके बाद आपका फेड चेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या गाइडलाइंस देते हैं वो भी हमें देखना होगा। उसके ऊपर ये डिसाइड होगा कि डॉलर इंडेक्स ये जो सपोर्ट जोन है 99.70 से 101.00 से, इस सपोर्ट जोन में कैसे बिहेव करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज देते हैं इस सपोर्ट जोन के नीचे, देन एंड ओनली देन हमारा जो डॉलर इंडेक्स का टारगेट होगा 92.0। लेकिन अभी कुछ भी हम बोल नहीं सकते क्योंकि ब्रेकआउट के लिए हमें इंतजार है। एक बार इस जोन के नीचे ब्रेकडाउन करेगा समथिंग लाइक दिस, ये अगर रेड कैंडल होते हैं समथिंग लाइक दिस, तो इन सच ए केस इट विल कंसीडर एज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन फ्रॉम द रेंज। एंड उसके बाद हमारा जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 92.00 की तरफ, व्हिच विल गिव अ गुड पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स अदर करेंसी पेयर्स व्हिच वी कैन ट्रेड, दैट इज जीबीपी डॉलर, जीबीपी एनएन, यूरो डॉलर, यूरो एनएन एंड सो ऑन। तो हमें अभी इंतजार है एफएमसी रेट डिसीजंस एंड उसके बाद प्राइस एक्शंस। यहां पे सपोर्ट लेके क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं टुवर्ड्स द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड व्हिच इज नथिंग बट अ 20 पीरियड मूविंग एवरेज, और इट ब्रेक्स द सपोर्ट जोन। वी आर करंटली वेटिंग फॉर ए ब्रेकडाउन कंफर्मेशन जो अभी तक हमारे पास है नहीं। बिफोर गोइंग टू द जीबीपी डॉलर एंड अदर करेंसी पेयर्स, वी वुड लाइक टू डिस्कस यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। यहां पे यूएस 10 ईयर ट्रेजरी जो क्लोज दिया है 3.907, व्हाइलस 2 ईयर ट्रेजरी जो क्लोज दिया है 3.921, यानी दोनों के बीच में जो इन्वर्शन कर्व है हार्डली 2 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस है, यानी जो एक समय 108 बेसिस पॉइंट्स, 109 बेसिस पॉइंट्स और मोर चला गया था, अभी जस्ट 2 बेसिस पॉइंट्स के डिफरेंस पे दोनों के बीच में जो मींस रेट है वो अभी है। हमें नॉर्मलसी का इंतजार है, नॉर्मलसी कब होगा, व्हेन यूएस 2 ईयर ट्रेजरी इज ट्रेडिंग बिलो यूएस 10 ईयर ट्रेजरी, इसलिए हमें इंतजार होगा। अभी जो देखने वाला चीज है 10 ईयर ट्रेजरी, यहां पे प्राइस एक्शंस एक सपोर्ट लेवल पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने का तैयारी कर रहे हैं। डब्ल्यू पैटर्न्स कैसे होगा आप खुद ही देख लो। सो ये हो गया ऊपर गया फिर नीचे आके, अभी ये जो डब्ल्यू बनने के तैयारी में है, अभी ये जो आपका 12th अगस्त का हाई इज वेरी क्रूशियल, 12th अगस्त का हाई इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि इसके हाई के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते हैं इन सच ए केस आपका 10 ईयर ट्रेजरी का ये बॉटम आउट हो जाएगा, टेम्पोररी बॉटम आउट हो जाएगा। इन केस आपका वीकली जो यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यहाँ पे एक बुलिश कैंडल के साथ क्लोज देते हैं इन सच ए केस, पूरा का पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा इन सच ए केस। यहाँ पे क्या होगा, एक डब्ल्यू पैटर्न जिसके कारण there are higher possibilities that US 10-year treasury may move upward towards 4.26, लेकिन हमारे पास अभी confirmations है नहीं, हमें confirmations का इंतजार है, हमें price actions को देखना है क्या ये इस 12 अगस्त के जो high है उसके high के ऊपर strong closing देते हैं या नहीं। Similarly 2-year treasury यहाँ पर भी एक W pattern है, but ये जो W है weaker than the 10-year treasury। यहाँ पे कैसे आपका W आया, आप अगर देखोगे ये एक downfall फिर एक bullish then selling, and अगर इसको ऐसा जाते हैं in such case it will be considered as a W. So, इसका W वही 12 अगस्त का हाई के ऊपर, that means 4.12 के ऊपर अगर strong closing देते हैं weekly basis पे, in such a case, 2-year treasury will move upward towards 4.50 से 4.55 की तरफ। Why I am discussing this? This is a contra view. What contra view I want to be? Because the majority is waiting for downward movement. So, market participants are almost, means majority of the market participants are looking for a downward movement. So, when majority are looking for a particular directions, we should keep an eye on the contra view also. That will give a better perspective. So as of now, हमारा एक dollar index एक crucial level पे है, एक support zone पे है, and US 10 year treasury vis-a-vis US 2 year treasury क्या कह रहे हैं, अगर ये 12 अगस्त के high के ऊपर close देते हैं, in such a case, treasuries rates जो है वो ऊपर की तरफ move कर सकते हैं। ये हो गया contra view. लेकिन trended view क्या होगा, अगर ये 5th अगस्त के low के नीचे close दे देते हैं, something like this. क्योंकि हमें दूसरा वाला भी perspective हमें दिमाग में रखना है, ये है आपका
इस टाइप का अगर क्लोजिंग दे देते हैं जो 5th अगस्त के लो के नीचे क्लोज दे देगा, दैट मींस नाउ रेट्स आर गोइंग टू मूव डाउनवर्ड। ये अगर उस केस उस टाइप का अगर डाउनवर्ड मूव आते हैं तो हमारा फर्स्ट सपोर्ट जोन जो हो सकता है 3.30 से 3.40 की तरफ, उसको भी अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है दिस वन व्हिच इज 2.60 से 2.65 की तरफ। लेकिन हमें अभी कंफर्मेशंस जरूरी है। आप यहां पे हमने दोनों डिस्कशंस किया है, क्या कॉन्ट्रा व्यू ऊपर की तरफ एंड कंफर्म्ड क्लोजिंग बिलो 5th अगस्त लो, इन सच केस क्या हो सकता है। सिमिलरली 2 ईयर में भी कॉन्ट्रा व्यू क्या है जो ऊपर की तरफ जाएगा 12th अगस्त के हाई के ऊपर अगर क्लोज देते हैं, अगर 5th अगस्त के लो के नीचे क्लोज देते हैं स्ट्रांग नेगेटिव कैंडल के साथ समथिंग लाइक दिस इन सच ए केस यूएस 2 ईयर ट्रेजरी पहला जो हमारा मॉडरेट सपोर्ट बन सकता है ये है आपका 3.58 3.60 की तरफ। सेकंड सपोर्ट जो हमारा बन सकता है वो है 2.81 से 2.83 की तरफ। दीज आर द टू प्रोबेबल सपोर्ट लेवल्स इन केस यूएस 2 ईयर ट्रेजरी ब्रेक्स बिलो 5th अगस्त। ये हो गया हमारा डॉलर इंडेक्स एंड यूएस ट्रेजरी का कॉन्ट्रा व्यू मींस पर्सपेक्टिव। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर पे जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था कौन सा था 1.32 जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कशन किया हुआ है वो है उसमें ही लास्ट वीक का जो कैंडल है एक केआर कैंडल बनाया हुआ की रिवर्सल कैंडल। की रिवर्सल कैंडल्स मतलब ये इसका हाई इज बिकमिंग वेरी क्रूशियल। जो ऊपर में ट्रेड तो किया था 1.3266 तक ट्रेड किया था बट उसने सस्टेन द लोज एरिया एंड क्लोज बिलो द 19th अगस्त क्लोजिंग के बीच। दैट मींस इसका जब तक लास्ट वीक 26th अगस्त वाला वीक हाई ब्रेक नहीं करता देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के जीबीपी डॉलर मे मूव डाउन टुवर्ड्स योर 1.2975 से 1.3000 की तरफ आने का हायर पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। नाउ कमिंग जीबीपी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर में भी सिमिलरली जीबीपी आईएनआर इज इन ऑल टाइम हाई टेरिटरी जहां पे ये लास्ट वीक में एक इंट्रा वीक हाई मारा था 111.32 but couldn't sustain that level and closed at 110.08. So this becomes a key reversal candle. Key reversal candle keeping the high as the stop loss, just slightly above the high should be that stop loss. Means one, if someone wants to play, can play from the short side for a possible target towards 108.50. Now coming to euro dollar. Euro dollar mein jo hamara second level, first level ka hamara target tha, ye 1.1150 and second level ka target tha 1.1300. Usi ke nazdik aake ek aapka नेगेटिव कैंडल स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है। अभी हमें डॉलर इंडेक्स के साथ जीबीपी डॉलर एंड यूरो डॉलर को मैच करना है। क्या मैच करना है? ये जो नेगेटिविटी है क्या कंटिन्यू होते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से थोड़ा सा हम सेल कर सकते हैं फॉर ए सपोर्ट प्रोबेबल सपोर्ट टुवर्ड्स दिस इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन जो आपका ये वाला जो लेवल है ये इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन के यहाँ पे आने का पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं व्हिच इज नथिंग बट 1.0920 से 1.0940 के तरफ यानी 1 बिगी डाउनवर्ड मूव एक हो सकता है सब्जेक्ट टू द प्राइस एक्शंस। प्राइस एक्शन मींस सेलिंग का प्राइस एक्शन आपका जो भी प्राइस एक्शन है मेरा प्राइस एक्शन कुछ हो सकता है आपका प्राइस एक्शन कुछ हो सकता है ऐसा हो सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इस सपोर्ट लाइन पे ये सपोर्ट लेके क्या बाउंस बैक करते हैं या फर्दर सेल करते हैं। सिमिलरली यूरो आईएनआर में भी एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है एक सपोर्ट जोन पे ये रुका हुआ है। सो यहाँ पे थोड़ा सा हमें केयरफुली मॉनिटर करना है क्या ये ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाने के लिए हम अबव द हाई ऑन लास्ट वीक दैट इज 93.91 वी कैन लुक फॉर ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। In other cases, we need to wait for price action performance. Dollar yen means that we have discussed that 5th August low is a temporary bottom. Temporary bottom 141.6. आप अगर बोलोगे कि इतना नीचे आने के बाद temporary bottom तो होगा? Yes, that is one perspective. Another perspective is the pin bar, or hammer, whatever. ये sharp pin bar after a downfall creates a temporary bottom. So जब तक इसके low के नीचे weekly close नहीं देते हैं, तब तक this is a temporary bottom. So यहाँ पे price action थोड़ा sideways consolidate करेगा, means कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, जो हमने पिछले 3 हफ्ते में देखा है। 3 हफ्ते में 12 अगस्त में ऊपर गया, then 19 अगस्त में नीचे आया, and 26 अगस्त में फिर bounce back किया। Yen INR में भी after taking a resistance at 59.20, it moved down thereby, जो 5th अगस्त का कैंडल बनाया हुआ है, inverted hammer बनाया हुआ है, inverted hammer, आप बोलोगे ये तो ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का हो या रेड कलर का हो, but the thing is that the price resistance at a critical resistance. So this is a temporary top. जब तक इसके high के ऊपर strong closing नहीं देते हैं, we should play from the short side, looking for some sorting possible opportunities. अभी आते हैं GBP dollar candy. Dollar candy में आप देखोगे काफी समय से एक range के अंदर में रुका हुआ था 1.36 on the lower side and 1.38 on the high 3850 on the higher side. इसमें काफी gain. अभी price यहाँ पे एक small body hammer type का candle बनाया हुआ है. अभी ऐसा प्रतीत होता है कि 1.3580 से 1.3620 is expected to act as a resistance zone. So यहाँ पे अगर bounce back करके इस area पे resistance लेके फिर नीचे की तरफ आने का एक possibility हो सकता है. क्या price action इस हिसाब से हमें guide करते हैं वो हमें देखना होगा. Aussie dollar में भी एक जो resistance zone है, resistance zone में एक KR candle बनाया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा selling, this हल्का सा pull back towards 0.6650 से 0.6675 की तरफ आने का एक possibility है. CNH में एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखा गया है. एक समय में we are discussing about break above 7.29, 7.2950,
एंड सस्टेनिंग अबव दैट लेवल मैं टेक सीएनएच फर्दर हायर टुवर्ड्स 7.3। लेकिन यहां पे ऊपर आपका जो 1st जुलाई वाला वीक था ऊपर में ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं किया एंड शार्पली नीचे की तरफ आ चुका है। ये बॉटम लेवल पे आने के बाद यहां पे लास्ट वीक एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल बनाया हुआ है। एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक डेफिनेशन में स्पिनिंग टॉप वन है। यहाँ पे देखने वाला चीज था ये 5th अगस्त वाला जो हैमर कैंडल इसे लो के नीचे जाके मींस लो के नीचे तो ट्रेड किया था लेकिन क्लोज नहीं हुआ। अभी हमें देखना है ये जो जोन है इस जोन को ये रेजिस्टेंस लेता है या ये दोबारा ऊपर की तरफ चला जाता है। इन सच केस अगर ऊपर की तरफ इस टाइप का प्राइस बिहेव करके जाते हैं दिस ब्रेकडाउन विल बी कंसीडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकडाउन ऑन द लोअर साइड। इन सच केस क्या होगा अगर इस टाइप का फॉल्स ब्रेकडाउन प्रूफ होते हैं आने वाले 2-4 हफ्ते के बाद। इन सच केस ये शार्प अप मूव करने का प्रोबेबिलिटी पोटेंशियल रखता है टुवर्ड्स 7.2। तो हमें अभी प्राइस एक्शंस को देखना क्या ये आपका 7.11 के आसपास रेजिस्टेंस लेके 1112 के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आते हैं या यहां पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाते हैं। ये स्टैंडर्ड ट्रेजरी 2 ईयर ट्रेजरी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अभी हम ब्रेंट क्रूड को ब्रेंट क्रूड जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 76.76। ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशंस था ऊपर की तरफ एक इंक्लाइन रेजिस्टेंस नीचे की तरफ एक सपोर्ट है। यहां इस सपोर्ट लाइन के आसपास प्राइस इस समय बिता रहा है। यहां ब्रेक डाउन करना होता तो शार्प ब्रेक डाउन होना चाहिए लेकिन ये टाइम पास करने का मतलब क्या है कि एक सपोर्ट जोन पे ये कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे दो नंबर्स जो है इस दो प्राइस लेवल्स पर वेरी क्लोज क्या है आपका ये आपका 12 अगस्त का हाई एंड 19 अगस्त का लो आर टू इंपॉर्टेंट एरियाज। 12 अगस्त ऊपर की तरफ प्राइस रिजेक्शन हुआ 19 अगस्त नीचे की तरफ प्राइस रिजेक्शन हुआ। सो अभी हमें देखना है प्राइस एक्शंस क्या लो को ब्रेक डाउन करते हैं या हाई को ब्रेकआउट करते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट वन वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड ट्रेंडेड मूव। एज ऑफ नाउ वीकली जो नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है तो 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बार अगर 19 अगस्त एंड 5th अगस्त का लो को अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज के साथ नीचे की तरफ क्लोज डाउन करते हैं इन सच केस ब्रेंट क्रूड जो कैश चार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज एक्सपेक्टेड टू ट्रेड टुवर्ड्स 71.50। क्या ये होता है ये हमें देखना पड़ेगा। फाइनली हमारा डॉलर रुपी क्या कहाँ पे है 83.85। यहाँ पे देखने वाला चीज है कि इस लेवल पे काफी डिमांड जिसके कारण रुपी डिप्रिशिएट होने का पॉसिबिलिटीज दिख रहे थे लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनविजिबल हैंड 84 एट द मोमेंट काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया लग रहा है। सो पहले जो 83.50 से 83.70 का लेवल था वो अभी 84 का बन चुका है जहां पे इनविजिबल हैंड्स क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं एंड एट द मोमेंट दे आर नॉट इन अ मूड टू फर्दर डिप्रिशिएट द अलाउ द रुपी टू डिप्रिशिएट फर्दर। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग वी शुड ओनली try to follow the mood of the invisible hand, whatever, whether they want to protect the dollar rupee from further depreciations or bole to ye aapka 8365 8370 ke niche agar close dete in such a case halka sa rupee mein thoda sa strong ho sakte towards 8350. As of now yahan pe koi trading game hai nahi, everything is invisible hands ka game hai, usi ke basis pe aap chote chote level pe buy sell. So currency weekly analysis abhi ke liye itna hi, aasha karta hu ye presentation aap samajh gaye, like kijiye, comment kijiye. Thank you. And-